हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप सब काफी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो ऐसा है कि आप जो मेरे पीछे पेंटिंग देख रहे हैं, तो ये पेंटिंग हमने बनाई थी एक साल पहले जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। तो काफी टाइम था हमारे पास उस टाइम पे, इसलिए हमने इसको बनाया था। एंड ये जो है बेसिकली यहाँ पर एक विंडो थी जिसको हटाया था, तो बहुत ही सीमेंटेड एरिया हो रहा था, आप फोटो में देख सकते हैं, बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था। तो हमें इसको देना था नया रूम, इसका करना था मेकओवर, तब हमने इसको बनाया था। एंड ये कोई नॉर्मली पेंटिंग नहीं है, ये एम्बोस आर्टवर्क है जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो उस टाइम पे मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया बनाते टाइम, क्योंकि इसको बनाते टाइम मुझे कम से कम 8-10 दिन लग गए थे, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। लेकिन हर आर्टिस्ट अपने आर्टवर्क को बनाते टाइम उसकी प्रोसेस के फोटोज क्लिक करता रहता है। तो मैंने भी बहुत काफी फोटोज क्लिक किए थे इसके, जिसके जरिए मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे बनाई एंड क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम भी मैंने फेस की थी इसको बनाते टाइम, ये फर्स्ट टाइम था। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। सो गाइस, सबसे पहले जो आप ये वॉल देख रहे हैं, ये कम से कम 10 फीट की वॉल है एंड बीच में एक खिड़की थी। तो अब हमें डिसाइड करना था कि इसके ऊपर हम बनाएं क्या, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही रफ हो रहा था एरिया। तो मैंने सोचा कि मैं बुद्ध भगवान की पेंटिंग बनाऊंगा, लेकिन अब की बार कुछ नई स्टाइल में। फिर मैंने यूट्यूब पर एम्बर्स वर्क के थोड़े आर्टवर्क देखे एंड मैंने ट्राई करने की सोची। मैंने पेंसिल से पहले एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया एंड उसके ऊपर सीमेंट लगाता गया। सही बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी वॉल पर मैं कुछ नया ट्राई करने जा रहा था एंड फैमिली वालों ने भी सारा सामान प्रोवाइड करा दिया था, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैं कहीं बिगाड़ा ना कर दूं। पर जैसे जैसे मैं काम करता जा रहा था तो शेप भी आ रहा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ, संतुष्टि मिल रही है फाइनली कि बन जाएगा अच्छा। उसके बाद मैंने बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, तो जैसा फेस का शेप होता है वैसे मैं ड्रॉ कर रहा था। एंड अभी मैं फिनिशिंग नहीं दे रहा हूँ, वो सबसे एंड में देंगे। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम की, कि मैंने क्या प्रॉब्लम इसमें फेस करी बनाते टाइम। तो हम जो बना रहे थे वो बना रहे थे हैंड से, बिना किसी टूल की मदद से। तो मेरी जो उंगलियाँ थी वो फट चुकी थी, क्योंकि वाइट सीमेंट और वॉल पुट्टी में मैं वर्क कर रहा था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो हमारी उंगलियों में छाले पड़ गए। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो ग्लव्स पहन लेना या फिर प्रॉपर टूल्स यूज़ कर लेना। एक और रीज़न ये था कि सरफेस भी खुरदुरा था। एंड अब हमारे जो बुद्ध भगवान है वो बन के रेडी हो चुके थे, तो अब हमको डिसाइड करना था कि कलर क्या करें, क्योंकि कलर ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा मेन फोकस है वो ऑब्जेक्ट पे है। इसलिए मैंने डार्क से लाइट शेड को यूज़ करने की सोची एंड मैंने अप्लाई किया एंड में ब्लैक, ब्राउन एंड उसका जो लाइट शेड रहता है, फिर धीरे धीरे शेड करता गया एंड आखिरी में ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। हमको ये बनाते टाइम कम से कम अब 4-5 दिन हो चुके थे, तो अब मैं इससे रहा नहीं जा रहा था फाइनल रिजल्ट देखने के लिए। पर सही बताऊँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर भी काट रहे थे, क्योंकि मई जून की एक तो गर्मी थी और यहाँ पंखा भी नहीं था, और हमने रात पे भी इस पर वर्क किया है बहुत सारा, तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगी इसको बनाते टाइम। तो हमारा जो कलरिंग वर्क था वो पूरा कंप्लीट हो चुका था लगभग, लेकिन बहुत खाली खाली सा लग रहा था बैकग्राउंड में, खाली बुद्ध भगवान अच्छे नहीं लग रहे थे। तो पेंटिंग को सपोर्ट करने के लिए मैंने लोटस बनाया, बर्ड्स बनाए, ट्रीज बनाए एंड जो फाइनल लुक आया तो वो तो मैंने खुद ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सबको काफ़ी पसंद आई वॉल एंड बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया जब मैंने इसकी पोस्ट डाली थी। तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि बनाते बनाते ही आइडियाज़ आते हैं। सो फाइनली हमारे 8-10 दिन की मेहनत रंग लाई और हमारे मन को मिली संतुष्टि। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके सामने है। पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये आर्टवर्क कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।